Now we discuss about the beyond force. Now in order to understand the concept of beyond force, we do one activity. Open your textbook and see page number 19. On page number 19, see the figure 3.10. In this experiment, what we have to do? Take one plastic bottle. Take empty plastic bottle. Now fix the lid of the bottle tightly. Now that बॉटल रिलीज इन द वॉटर. एक ट्रक लेना है, उसमें हमें क्या लेना है? वॉटर लेना है. और फिर उस वॉटर में आपको क्या करना है, वो जो प्लास्टिक बॉटल है जिसका लीड हमने क्या किया है, टाइटली बंद किया है, उसको उसमें क्या करना है, डालना है. देन ट्राई टू पुश इन साइड द वॉटर. अब क्या करेंगे हम, उस बॉटल को अंदर पुश करेंगे तो क्या होगा, वो जो बॉटल है वो पानी के अंदर जाएंगी क्या? नहीं, तो वो फिर से बाहर आएंगी और इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. अब हमें क्या करना है, वो बॉटल निकालना है. उसमें हमें क्या करना है, पूरा यानी पूरी बॉटल उस पानी से भरना है. और फिर से हम क्या करेंगे, उसका जो लीड है वो टाइटली फिट करेंगे. देन अगेन रिलीज द बॉटल इन द वॉटर. तो आपको क्या दिखाई देगा, दैट वॉटर डीप इन साइड द और दैट वॉटर फ्लोट इन साइड द वॉटर. इट विल नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस, इट विल फ्लोट इन साइड द वॉटर, बट इट विल नॉट गो एट द बॉटम ऑफ द वॉटर. नाउ व्हाई दिस हैपन, यानी ये जो वॉटर है वो नीचे की तरफ से क्या होगी, फ्लोट होगी, लेकिन वो बॉटम में नहीं जाएंगी. तो ये किस कारण होता है, तो क्या होता है, when that water, when we means release that bottle in the water and due to that bottle is full of water, तो वो बॉटल क्या होगी, नीचे जाएगी. नीचे जाने के बाद क्या होगी, वो जो बॉटल है वो थोड़ी ऊपर यानी बॉटम से थोड़ी ऊपर क्या होगी, फ्लोट होगी. तो क्या होता है इसमें, the gravitational force और force of gravity acting on the water in downward direction, so that force is balanced by the opposing force which was produced by the water surrounding the water. और उसके कारण क्या होता है, ये जो force है, force of gravity is balanced by the opposing force, और उसके कारण ये जो water है वो क्या होती है, float below the surface of water और inside the water. Now this is due to the beyond force. तो ये beyond force क्या है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड द बियॉन्ड फोर्स. यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वॉटर में इमर्स करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है, दैट इज द बियॉन्ड फोर्स. और ये जो बियॉन्ड फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स एंड इज अपोजिट टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे दो प्रकार के फोर्स एक्ट होंगे. एक जो है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट एक्ट्स ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और उसी तरह उसके अपोजिट फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे, सो दैट इज कॉल्ड एज द अपवर्ड फोर्स विच एक्ट और बियॉन्ड फोर्स विच एक्ट्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलिंग फैक्टर. उसके पहले हम देखेंगे कि व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इमर्स इन वॉटर, सो बियॉन्ड फोर्स एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस. तो उसके कारण क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है तो वो क्या होता है, कम होता है. और उसके कारण उसका जो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जो है तो उसका जो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है. वी ऑल्सो नो दैट इट इज इजी टू स्विम इन अ सॉल्ट वॉटर दैन इन फ्रेश वॉटर. अब ये क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट वॉटर की जो डेंसिटी वो क्या है, ज्यादा है, और फ्रेश वॉटर की डेंसिटी क्या है, कम. और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक अगर आपने एक ग्लास दिया, उसमें पानी लिया और उसमें क्या किया, आपने कांच का एक ग्लास लेना है, उसमें पानी एड करना है अप टू द ब्रिम. अब हम क्या करेंगे, उसमें दो जो नींबू है वो उसको हमने उसमें डाल. तो ये जो लेमन है they are sink at the bottom of the glass. Ab after that what we have to do, add 2 spoon tablespoon of salt in it and then stir the mixture
stir it well. After that, what will happen? That two lemon float on the water. So when the density of liquid is more, तो क्या होता है? Buoyant force भी क्या होता है? ज़्यादा act होता है. तो इससे क्या होगा? In salty water, buoyant force जो है, exceeds the gravitational force. यानी salty water में buoyant force exceeds होता है, exceeds the gravitational force. और उसके कारण क्या होता है? तो जो ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है? फ्लोट. और उसकी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर. सो दैट बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम. द बियॉन्ड फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर. अगर डिपिंग ऑब्जेक्ट का क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है तो बियॉन्ड फोर्स भी जिस उस पर जो एक्ट होने वाला है वो भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. दूसरा पॉइंट है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. मोर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बियॉन्सी. यानी जिस लिक्विड में हम ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं उस लिक्विड का लिक्विड की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ बियॉन्सी या बियॉन्ड फोर्स भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. सो इन दिस वे दैट बियॉन्ड फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Now we discuss about the Archimedes principle. The name Archimedes principle was given because it was discovered by the scientist Archimedes. He was a mathematician. When he entered the bathtub to take a bath, he discovered a above principle by observing overflowing water. Then he was shouting Eureka, Eureka, means I find out, I found out. And in this way there is a discovery of Archimedes principle. Now in order to understand this concept we do one activity. See page number 21 and see the diagram. What we have to do, take one long rubber band. Cut that rubber band at a one point. Then tie 50 gram weight or stone to the other end of the rubber band. Now hold the rubber band at the other end. क्या करना है आपको? एक rubber band लेना है और उसको क्या करना है? फिर वो जो rubber band है उसको hold करना है at the other end and make the mark there. और फिर उसको क्या करना है? उसका mark लेना है. यानी जो दूसरा end है उसके ऊपर क्या करना है आपको? मार्क करना है. नाउ कीप द स्टोन हैंगिंग इन द एयर एंड देन मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड फ्रॉम द स्टोन टू इट्स मार्क अर्लियर. आफ्टर दैट टेक अ पॉट. देन उस पॉट में आपको क्या लेना है? वाटर लेना है. देन आपको क्या करना है? वो जो रबर बैंड है अलॉन्ग विथ स्टोन यू हैव टू उसको आपको क्या करना है? धीरे धीरे उस पॉट में क्या करना है? आपको उसको डालना है. तो उसके बाद में क्या करना है? तो जो पहले आपने क्या किया था, लेंथ रबर बैंड की लेंथ आपने क्या की थी? नोट डाउन की थी. और बाद में जैसे जैसे आप क्या करोगे उस पॉट में जो रबर बैंड है अलॉन्ग विद द स्टोन, यानी स्टोन को जब आप धीरे धीरे क्या करना है आपको उसमें डालना है. जब ये रबर जो स्टोन है जो पूरी तरह से जब पानी में क्या हो जाएगा? इमर्स हो जाएगा या सिंक हो जाएगा. तो उसके बाद में आपको क्या देखना है कि उसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपको मेजर करना है. तो क्या होगा? उसकी पहली जो लेंथ है और ये उसके बाद में जो आपने उसको पानी में डालने के बाद में जो लेंथ आपने मेजर की है तो वो क्या रहेंगी? सेम नहीं रहेंगी. यानी एज कम्पेयर दैट वो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रबर बैंड रिड्यूसेस, यानी वो जो लेंथ है वो कम रहेंगी एज कम्पेयर टू previous length of the rubber band. तो इसमें क्या होता है? When the stone sink in the water, the upward force that is beyond force act on that stone. And on the other hand, the weight of the stone act downward. So the downward force acting on that stone is reduced. So this now we see the Archimedes principle. When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction
this force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. यानी जब हम ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली यानी पूरी तरह से या आधा हम उसको क्या करते हैं पानी में इमर्स करते हैं या डालते हैं तो क्या होता है उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है बियॉन्स फोर्स और ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन तो ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल रहेगा इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट तो ये जो फोर्स है ये कितना रहेगा वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है तो उतना ही फोर्स क्या होगा एक्ट होगा ऑन दैट ऑब्जेक्ट सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाउ दिस प्रिंसिपल हैज बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप सबमरीन्स द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर तो ये जो है ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल सो दैट प्रिंसिपल इज वेरी इम्पोर्टेंट आफ्टर दैट वी सी द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस तो डेंसिटी क्या है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू वॉल्यूम यानी ये रेशियो है मास टू वॉल्यूम तो डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहेगा मास अपॉन वॉल्यूम द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब अब रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या है तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वॉटर यानी कौन से भी सब्सटेंस की अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा उस सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट स्पेसिफिक ग्रेविटी सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक सम एग्जाम्पल्स आर स्टोर्ड सो यू हैव टू राइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो ओके